दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। दिल्ली पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान साहिल गहलोत के तौर पर हुई है। आरोपी लड़के से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की की हत्या के बाद लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपाया था। पुलिस ने लड़की की लाश को फ्रिज से बरामद किया है। गुरमीत राम रहीम को कोई बागपत के आश्रम में जाकर देख ले तो वहां उसके ठाट बाट और पुराना अंदाज देखकर कौन कहेगा कि ये कत्ल और रेप जैसे संगीन का सजायाफ्ता मुजरिम है। वो जेल से निकलते ही फुल चार्ज दिखाई दे रहा है। पेरोल पर जेल से बाहर निकले राम रहीम या यूं कहें कि लव चार्जर ने आश्रम से ही नया म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया है। वीडियो में वो खुली जीप में एंट्री करता नजर आ रहा है। उसके वीडियो एल्बम में पूर्व राष्ट्रपति और कई खिलाड़ियों के क्लिप्स भी लगाए गए हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी शेयर करते हुए अभिनेत्री और मॉडल निधि तापड़िया को अपनी वाइफ बता दिया। शॉ की इस स्टोरी ने सभी को हैरान कर दिया। शॉ ने कुछ देर बाद ही अपनी स्टोरी को डिलीट कर दिया। इसके बाद भी उनकी और निधि तापड़िया की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जर्मनी के विदेश और सुरक्षा सलाहकार जेम्स प्रॉटनर का कहना है कि भारत को रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप से लाभ हो रहा है। भारत ने हालांकि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों और अमेरिका की इस पहल का समर्थन नहीं किया था। प्लॉटनर ने रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्लॉटनर ने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है क्योंकि उसकी आवाज को दुनिया भर में ध्यान से सुना जाता है। ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार भी मजबूती के साथ ओपन हुए थे। सेंसेक्स ने करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 60,600 के स्तर पर कारोबार शुरू किया था, तो वहीं निफ्टी भी मामूली 4 अंकों की बढ़त लेते हुए 17,800 के लेवल पर खुला था। कारोबार खत्म होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स ने 600 अंकों की छलांग लगाई और 61,032.26 के लेवल पर बंद हुआ।